जैसा कि आप सभी जानते हैं, मखाना घुनों का भंडार होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अधिकतर व्रत में लोग इसकी खीर बनाकर खाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी खीर बनाने का एक आसान तरीका जिससे खीर में लगने वाला हमारा समय बिल्कुल आधा हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद सारिका। मैं सारिका स्वागत करती हूं आपका अपनी नवरात्रि स्पेशल वीडियोस में। मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले आप उसे एक थाली में डालकर पलट कर देख लें कि मखाना अंदर से खराब तो नहीं है। दो या तीन मखाने तोड़कर ही हमें पता चल जाता है कि ये अंदर से कैसा है। अगर इसमें जाला नहीं है तो ये बिल्कुल साफ मखाना है। वैसे तो आजकल बाजार में साफ सुथरा ही मखाना आता है। अब हम इस मखाने को एक मिक्सी के जार में डालकर दरदरा कर लेंगे। इसे हम पहले भूनेंगे नहीं क्योंकि भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब हम मिक्सी के जार को बंद करके इसको हल्के से एक या दो बार चलाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं करना है, इस तरह का होना चाहिए। अभी मैं आपको थाली में डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह का हमारा मखाना होना चाहिए। आप इसे हल्का सा भूनकर डिब्बे में भरकर भी रख सकते हैं, जब आपको खीर बनानी हो तब उसमें से यूज़ कर लें। अब हम एक पैन लेकर उसको गर्म करेंगे और उसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को अच्छे से पैन पर फैला लें। अब हम इसमें पिसे हुए मखाने डाल देंगे और उनको 2 मिनट चलाएंगे। पिसा हुआ मखाना भूनने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम साबुत मखाना भूनते हैं तो उसमें हमारे 2 से 3 मिनट जरूर लग जाते हैं। इसे भूनने में मुश्किल से हमारे 1 या 1.5 मिनट लगेंगे। नवरात्रों के लिए आप इसे ऐसे दरदरा करके भून कर भी रख सकते हैं। जब आपको खीर बनानी हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मखाना भून चुका है और इसमें भूनने में मुझे 1.5 मिनट पूरा लगा है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ मैंने 50 ग्राम मखानों में 1 लीटर दूध लिया है। मखाने की खीर बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मखाने ना लें क्योंकि बाद में ये फूल जाते हैं और खीर गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे और एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे जिससे खीर नीचे न लग जाए। खीर बनाने के लिए हमें हमेशा थोड़ा भारी ही बर्तन लेना चाहिए, उसमें खीर नीचे नहीं लगती और अच्छे से पक जाती है। ये देखिए, कितने अच्छे से खीर पक चुकी है। अब हम इसमें 100 ग्राम चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। इस खीर को पकाने में मुझे 1.5 से 2 मिनट लगे हैं। ये देखिए, कितनी बढ़िया गाढ़ी मलाईदार खीर बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस खीर में ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि मखाना बहुत सॉफ्ट होता है। आप चाहें तो इसमें किशमिश डाल सकते हैं। किशमिश का टेस्ट इस खीर में बहुत ही अच्छा आता है। मुझे तो ये प्लेन ही पसंद है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने 2 बाउल लिए हैं और अब हम इसमें अपनी खीर डालेंगे। ये देखिए, कितनी बढ़िया गाढ़ी और मलाईदार खीर बनी है। अगर आपको मेरा ये खीर बनाने का आसान तरीका पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं सारिका मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि।